मम्मा मातेश्वरी सरस्वती यज्ञ की एडमिनिस्ट्रेशन हेड बनी। वो कई दादियों के बाद ज्ञान में आई, परंतु उनमें जो विशेषता थी उस विशेषता के कारण बाबा ने उनको यज्ञ की हेड बनाए। ब्रह्मा बाबा माताओं को आगे रखना चाहते थे और सब कुमारी और माताओं में मम्मा श्रेष्ठ थी। मम्मा लौकिक में भी, पढ़ाई में, गीत गाने में, फैशन में नंबर वन थे, परंतु ज्ञान के बाद उनका जो पढ़ाई का इंटरेस्ट था, ज्ञान सुनना, धारण करना और उसको बहुत अच्छी रीत से समझाना, ये मम्मा की विशेषता थी। इस कारण उनको सरस्वती का टाइटल दिया गया था। मम्मा में हाजी का पाठ पक्का था। जो भी डायरेक्शन बाबा देते थे वो जरूर अमल में लाते थे और कभी भी ना नहीं कहते थे। एक बारी रात को संदेशी संदेश लाई कि कल सवेरे 9 बजे हमें लक्ष्मी नारायण का विवाह सबको दिखाना है। तो जो संदेशी ध्यान में देखती थी उसका यज्ञ में ड्रामा चलता था, तो उसने संदेश लाया। तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि कल सवेरे 9 बजे तक मुझे लक्ष्मी नारायण का ड्रेस और आभूषण तैयार चाहिए। मम्मा ने हाँ ना कुछ नहीं किया, जरूर बाबा हाँ जी कहा। और मम्मा ने 8-10 बहनों को इकट्ठा कर किया जिन्होंने सिलाई किया रात भर और आभूषण भी बनाए और मम्मा भी साथ में बैठी। तो ऐसी रीत से जब भी बाबा डायरेक्शन देते थे मम्मा हाजी करते थे। तीसरी बात, मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करते थे। कभी भी रात को 12 भी बज जाते थे परंतु सवेरे उनका जो उठने का टाइम था 2:30 बजे उठ जाते थे। और मम्मा की एक विशेषता और ये थी कि वो भूल कभी दोबारा नहीं करती थी। बहुत अपने पर अटेंशन देती थी और बाबा की बातें जीवन में धारण करती थी। उसके ज्ञान की जो गहराई में थी और सिंप्लिसिटी थी, उसके कारण सभी को मम्मा के क्लासेस बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा कहती थी कि कभी भी आप अपसेट हुए हो तो इधर उधर बातें मत करो। और उसके लिए मिसाल देती थी, सपोज कि आपको उल्टी करने का ख्याल आया, तबीयत ठीक नहीं है, आप क्या करेंगे? रास्ते के बीच में उल्टी करेंगे? नहीं, या तो किनारे पर जाकर उल्टी करेंगे, और घर में होंगे तो कोशिश करके दौड़ के भाग कर बाथरूम में जाकर वॉश बेसिन में या फ्लश में उल्टी करेंगे, क्योंकि घर के बीच में करेंगे या रास्ते के बीच में करेंगे तो ऊपर मक्खी बैठेंगे, रास्ते पर जाने वालों के लिए अच्छा नहीं लगेगा, और जो मक्खी उल्टी पर बैठेंगी वो फिर किसी के खाने पर बैठेंगी और उसको बीमार करेंगी। इसी रीत से आप जो दुख की बातें किसी को सुनाएंगे तो क्या होगा, वो भी
अपसेट हो जाएंगे और आपको हल नहीं मिलेगा। इसलिए जब बीमारी होती है तो हमको क्या करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। सबको बातें बताने से कोई इलाज नहीं मिलता। इसी रीत से यदि आपको कुछ भी बात का ख्याल आता है, अपसेट है, तो जाकर सीनियर को बताओ, तो वो आपको कुछ इलाज देगा, सॉल्यूशन देंगे आदि आदि। दूसरी पॉइंट मुझे मम्मा की ये याद आती है कि मम्मा कहती थी कि सपोज कोई है अपना घर का कचरा है बाहर डालता है, क्योंकि इंडिया में तो रास्ते पर डाल देते, अपने गेट से बाहर निकाल के रास्ते पर डाल देते हैं, तो क्या पड़ोसी वो कचरे को घर में लाएगा, नहीं लाएगा। इसी चीज से यदि कोई में कुछ भी बुराई है, कमजोरी है, हर एक चाहता है कि उसको बाहर निकाले, उसको वो बाहर निकालना चाहता है। और हम यदि उसको देखकर उसके बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या होगा, वो कमजोरी हमारे में आ जाएंगी। इसलिए उस कमजोरी को न देखो, न वर्णन करो, न धारण करो। तो मम्मा बहुत रॉयल थी, गंभीर थी और मीठी थी। इसलिए किसी को भी कुछ भी कंप्लेन होती थी, मम्मा के पास जरूर जाते थे। और मम्मा क्या करती थी, वो दूसरी व्यक्ति जिसके बारे में कंप्लेन आती थी, उसको बुलाकर प्यार से पूछती थी, आपने ऐसे किया, आप ऐसे नहीं करते, और ऐसे करते थे तो इसी रीत से प्यार से उनको शिक्षा देकर उनको सुधारती थी। तो मम्मा की जो धारणा थी वो बहुत खूबसूरत थी। और मम्मा ने अंत तक अपने को बहुत अशरीरी बनाया था, क्योंकि हमने देखा 4 जून को जब मुंबई से छुट्टी ले रही थी तो उनके कैंसर काफी बढ़ गया था, परंतु उनके चेहरे से, उनकी चलन से किसी ने ये नहीं समझा कि मम्मा की अभी अंतिम अवस्था है और मम्मा कभी भी शरीर छोड़ सकती है। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि अभी मम्मा आपका ज्यादा नहीं जिएंगी और हम सभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब वो छुट्टी ले रही थी, सबको टोली और दृष्टि दे रही थी, तो बम्बई में ऐसे अरेंज किया था कि लोग एक तरफ से आते थे, दूसरे तरफ से चले जाते थे। तो जब सामने से आते थे, मम्मा एकदम याद में ठीक रहती थी, और जब चले जाते थे तो मम्मा डीप सांस लेती थी। तो इसी रीत से मम्मा ने अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा था और ये ख्याल रहता था कि ब्राह्मणों को मेरे बारे में चिंता ना हो। तो इसी रीत से उन्होंने ऐसी अपनी चलन बनाई कि लास्ट दिन तक भी जो मम्मा के सामने आते थे, किसी को ये ख्याल नहीं होता था कि मम्मा शरीर छोड़ेंगी, क्योंकि उस दिन लास्ट दिन 24 जून को लखनऊ का जो एक युगल है वो लखनऊ जा रहा था, दादा राम और सावित्री, तो वो छुट्टी लेके गए और लखनऊ पहुंचे, उनको मालूम पड़ा कि मम्मा ने शरीर छोड़ा, फिर दूसरे दिन ट्रेन लेकर वापस आए। तो लास्ट दिन तक भी उन्होंने 12 बजे के भोग के बाद सभी को अंगूर और भोग दिया,
उन दिनों में मम्मा उनको सबको भोग देती थी, बाबा अमृत पिलाता था, तो लास्ट दिन तक ड्यूटी करती रही। और जब भी बम्बई में आती थी तो क्लास जरूर कराती थी, क्योंकि बम्बई में उनको ज़्यादा रहना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, परंतु बीच बीच में क्लास जरूर कराती थी, बीच बीच में पुणे भी जाती थी। तो मम्मा ने बहुत सेवा की और एक एग्जाम्पल बनकर हर एक को आगे बढ़ाया, और इनकी मिठास के कारण सभी उनकी मान्यता और रिगार्ड रखते थे। ओम शांति। अब नहीं तो कब नहीं।